वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। एडवर्ब्स के फॉर्मेशन के रूल्स के बाद आज प्रस्तुत है पोजीशन प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। इसका मतलब एडवर्ब्स एक सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में रूल्स। आज हम कुल 9 रूल्स पढ़ेंगे प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स के। 9 रूल्स में पहला रूल हमारे पास होगा, केस 1 कहेंगे इसे, कहें पहला रूल है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली। प्लेस का हियर, ऑन द वॉल, एवरीवेयर, देयर, एटसेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का संडे, नाउ, देन, एट, टुडे, नेक्स्ट, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इनका प्लेसमेंट हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं, यह है केस नंबर 1। कहा जा रहा है कि इनका प्लेसमेंट करते हैं वर्ब के बाद सेंटेंस में, वर्ब के बाद सेंटेंस। देखिए यहाँ पे मनीष सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स वर्ब हो गया। तो अगर एडवर्ब्स ऑफ मैनर या प्लेस या टाइम, मैनर्स के लिए हम एम बोल देते हैं और प्लेस के लिए पी और टाइम के लिए टी, तो अब मैं बोलूंगा एम पी टी। एम मतलब मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर समझेगा। तो यहाँ पे देखिए वेल है, एम है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, तो इसे रखा गया है आफ्टर द वर्ब। आफ्टर द वर्ब रखा गया है, वर्ब यहाँ पे है, उसके बाद रखा गया है इसको, तो रूल को फुलफिल कर रहा है। किंतु इसमें कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट भी हो सेंटेंस में, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस स्थिति में एडवर्ब को हम रखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट और वेल हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो रूल के हिसाब से अब ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब के बाद रहेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं पहला जो प्रॉपर क्रम में दोनों सेंटेंसेस लिखा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर के रूल को फॉलो कर रहा है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में बात करें तो सेम रूल लगता है। यहाँ पे देखिए विल कम, विल हेल्पिंग वर्ब है और कम मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब कहलाएगा, यह सब्जेक्ट हो गया और हियर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है, तो इसलिए वर्ब के बाद रहना है। यहाँ पे पिक्चर आ गया है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का ही है, पिक्चर आ गया है ऑब्जेक्ट रूप में, इधर विल हैंग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद हियर आया है। फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम के लिए देखिए लास्ट टू सेंटेंसेस, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इधर वर्ब है, तो स्टर्डे जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम का एक एग्जाम्पल है, इसे रख दिया गया लास्ट में। किंतु अब यहाँ हिम आ गया है ऑब्जेक्ट, तो हिम के बाद स्टडी रखा गया है। तो रूल क्या है, रूल कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर के जितने वर्ड्स होते हैं वे सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के, एडवर्ब्स ऑफ टाइम के, इनका प्लेसमेंट सेंटेंस में जब हम करेंगे तो वर्ब के बाद करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे, नहीं होगा तो वर्ब के बाद करेंगे। दिस इज रूल नंबर 1 एमपीटी का, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब है केस नंबर 2। केस नंबर 2 एमपीटी का ही है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसमें देख लिया आपने उसमें रूल नंबर 1 में कि इनका प्लेसमेंट करते हैं वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट रहने पे हम करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद ये प्लेसमेंट करते हैं, यह रूल नंबर 1 ही है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि जो लास्ट था इसमें कोई एक ही था, यहाँ पर फर्स्ट टू में एडवर्ब्स ऑफ मैनर था, मिडिल वाले टू में यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस था और लास्ट टू में एडवर्ब्स ऑफ टाइम था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक सेंटेंस में इनमें से कोई दो एडवर्ब्स रहेंगे या तीन रहेंगे तब क्या करेंगे। तो रूल है कि एमपीटी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एमपीटी सीक्वेंस का मतलब होगा कि पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर का वर्ड आएगा, फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का, फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम का। अगर कोई दो रहेगा तो इनमें जो पहले होगा वो जरूर आएगा। अगर
अगर पी नहीं है तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फिर उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अगर टी नहीं है तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अगर यह नहीं है तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और दोनों है तो एन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कोई भी रहे तो सीक्वेंस एमपीटी का ही फॉलो करना होगा। यह है केस नंबर दो। देखिए जरा, सी sang well there, she sang। यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का उदाहरण है। जगह का बोध होता है देयर से, आप जानते हैं। तो यहाँ पे मैनर पहले आया है, प्लेस बाद में आया है। क्यों? एमपीटी, एम के बाद पी आता है इस फॉर्मूला के सीक्वेंस में, इसलिए ला दिया गया है। दूसरा देखिए, वी शुड कम, यहाँ दो वर्ड का वर्ब हो गया। We should come here today. Here हो गया adverbs of place और today हो गया adverbs of time. तो आप जानते हैं place पहले और time बाद में, तो इसका example हो गया adverbs of place, adverbs of time. Kartik spoke him earnestly there yesterday. यहाँ पे Kartik subject, spoke हो गया verb, him हो गया object, तो जो भी आएगा object बाद आएगा। तो यहाँ पे earnestly है adverbs of manner, देयर है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और स्टर्डे है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एम पी टी सीक्वेंस रहेगा यहाँ पे। उत्तम गेव मनी हैस्टिली स्टर्डे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, मनी ऑब्जेक्ट हो गया, हैस्टिली हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड स्टर्डे हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एम टी आगे पी नहीं है तो एम आएगा, पर फिर बाद में टी आएगा। तो आप रूल टू क्या देख रहे हैं? रूल वन जैसा है कि अगर खाली वर्ब रहेगा तो वर्ब के बाद लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। लेकिन अगर तीनों में से एक, तीनों में से तीनों रहे चाहे कोई दो रहे, तो एमपीटी सीक्वेंस को, सीक्वेंट नहीं सीक्वेंस, एमपीटी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ये केस नंबर दो हुआ, तो इनसे एमपीटी याद रखेंगे आप। अब केस तीन अलग हो गया। केस तीन है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट थ्री रूल्स इस पे बेस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हाउ मेनी टाइम्स वर्क एक्शन इज टेकिंग प्लेस। हाँ, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली एटसेट्रा, ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं। तो जब ये रहते हैं सेंटेंस में तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें रखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, बिटवीन, बीच में रखते हैं। कहाँ पे? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं, अगर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा तो। लेकिन देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इधर वर्ब है कुक्स, बीच में नेवर आया है, आप देख सकते हैं नेवर यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल है। लेकिन एक ट्विस्टिंग इसमें है, ट्विस्टिंग यह है कि अगर वर्ब मोर देन वन वर्ड का है, जैसे I have cooked food, मान लिया I have cooked food, present perfect tense, तो यहाँ पे दो वर्ड का वर्ब हो जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो वो रहा है कि इफ वर्ब कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड, दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद रखना है। तो आई हैव नेवर, आई हैव नेवर कुक्ड फूड, मैं कभी खाना नहीं बनाया हूँ। यहाँ पे भी वही है, शी हैज नेवर कुक्ड, उसने कभी खाना नहीं बनाया है। क्यों नेवर आया? क्योंकि यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब और कुक्ड मेन वर्ब, टू वर्ड्स का वर्ब हो गया। तो इसको फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को रखना पड़ेगा पहले वर्ब के बाद। ये हो गया केस नंबर तीन। ऐसे यहाँ पे देखिए, आई टेल हिम अ स्टोरी, तो यहाँ पे टेल हो गया खाली एक वर्ड का वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रख देंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो एग्जांपल है। लेकिन यहीं पे हैव टोल्ड है, तो हैव टोल्ड टू वर्ड्स का हो गया, तो पहले वर्ड, पहले वर्ब के बाद रखना पड़ेगा ऑफन को। तो इस तरह से आपने अभी तक देखा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो रूल है, इसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं, वर्ब दो वर्ड के होने पे पहले वर्ब के बाद रखते हैं। लेकिन इसके पहले देखा जो एमपीटी का रूल था
कि हमें जो प्लेसमेंट इसका है एमपीटी का, एमपीटी का प्लेसमेंट का क्या है, वर्ब के बाद रखते हैं, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, बाद का है। और इधर इधर जो देखा आपने पहले का है कि यहाँ पे वर्ब के पहले रखते हैं, वर्ब का दो हो तो पहले के बाद रखते हैं, ये केस नंबर तीन हुआ। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कुछ और भी एडवर्ब्स हैं, जैसे कि अलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, इन सब के साथ भी इसी तरह का फॉर्मूला फॉलो किया जाता है जो कि केस तीन में है। अगर अगर खाली वर्ब है एक वर्ड का तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, दो वर्ड का है तो पहले वर्ब के बाद प्लेसमेंट करना है। इसी का इसी में अगर एम इज आर वाज वर आगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और साथ में जो एक्सेप्शन में जो वर्ड्स दिए गए थे उन सबको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है मैंने, जैसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के जितने थे और फिर साथ में एक्सेप्शन वाले क्वाइट तक। तो ये सब जितने भी एडवर्ब्स दिख रहे हैं ये डेफिनेटली इसमें ईटीसी भी था तो एग्जाम्पल में ही मान सकते हैं। अगर इज एम आर वाज वर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब पर नहीं मेन वर्ब का ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सेंटेंस में केवल यही है वर्ब के रूप में, तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं, प्लेस करते हैं वर्ब के बाद, वर्ब के बाद प्लेस करते हैं। देखिए आई एम नेवर लेट, यहाँ पे नेवर आया है एम के बाद, ही इज ऑलवेज एट होम, यहाँ ऑलवेज आया है ही के बाद। तो केस नंबर तीन हो गया, केस नंबर तीन का ही यह एक अलग तरीका का हो गया कि जब एम इज आर वाज वर रहेगा तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड्स हैं उनको उनके बाद रखना पड़ेगा। फिर है पांच नंबर जो कि तीन और चार के एक्सेप्शन होगा, देखिए कैसे। जब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहे दूसरे वर्ड्स जिनको रूल नंबर थर्ड में हमने डिस्कस किया है उन पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, दबाव देना पड़ेगा, तब इनको हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही रख देंगे, हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद या हेल्पिंग वर्ब के पहले ही रख देंगे, दोनों बात एक ही है। देखिए यहाँ पे डज और कम दो है, डज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दिया गया है ऑलवेज को, क्योंकि ऑलवेज पे यहाँ पे जोर देना होगा, तब ही ऑलवेज डज कम लेट, वह हमेशा लेट से आता है। तो यहाँ पे हमेशा शब्द है, यहाँ पे फोकस करना पड़ रहा है इस पे, इसलिए इसको सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। सेंटेंस इम्फैटिक भी है ये, जब इम्फैटिक नॉन इम्फैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे इसको और ठीक से, लेकिन अभी यही कि जब इन सब वर्ड्स पे जोर देना होगा तो सब्जेक्ट के ही बाद रख देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है। आई ऑलरेडी हैव रिटन टू यू, यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे आई यूजुअली एम फ्री ऑन संडेज, आई समटाइम्स डू इट बनाना, मैं कभी कभी बनाना जरूर खाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सर्कल किया हूँ इन सब पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए इनको सब्जेक्ट के ही बाद, दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब के पहले रखा गया है। तो अभी तक हमने देखा कि रूल नंबर वन में एमपीटी जो होता है एमपीटी को कहाँ रखते हैं, एमपीटी को रखते हैं हमेशा, हम देखा था अपने रूल, फिर से देख लेते हैं एक बार, एमपीटी को वर्ब के बाद रखते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, पहले बाद, फिर इसको देख लिया तीनों रहेगा तो सिक्वेंसिंग एमपीटी की होती है, और फिर फ्रीक्वेंसी को वर्ब के पहले रखते हैं, और वर्ब अगर दो वर्ड का है तो जो हेल्पिंग वर्ब है या पहला वर्ब है उसके बाद रखते हैं। आर में देखा इज एम आर वाज वर रहेगा तो इस स्थिति में एडवर्ब्स को हम इन वर्ड्स के बाद रखते हैं, और जब स्टेस देना पड़ेगा तो सब्जेक्ट के ही बाद, दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब के पहले रखना पड़ता है। छह नंबर में एडवर्ब जिस एडजेक्टिव को आज चाहे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, हमने परिभाषा में देखा था ना कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है।
और डेफिनेटली प्रेपोजिशन एंड फ्रेजेज को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन मेनली इसी की बात करते हैं। तो जिस एडजेक्टिव को और जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके पहले आता है एडवर्ब, यह भी एक रूल है। जैसे इधर देखिए, लेजी एक एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आया है रैदर, जो कि एक एडवर्ब है। पहले इसलिए आया क्योंकि यह लेजी को मॉडिफाई कर रहा है, लेजी की विशेषता बतला रहा है। यहाँ पे डेड एक एडजेक्टिव है, इसके पहले क्वाइट आया है, क्यों? क्योंकि डेड की बिल्कुल ही मृत है, तो उसकी विशेषता बतला रहा है। इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, इसके पहले वेरी आया है, इंटरेस्टिंग की विशेषता बतला रहा है। फास्ट एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले सो आया है, तो यह एडवर्ब सो फास्ट एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि एडजेक्टिव का बतलाए चाहे एडवर्ब का बतलाए, उसको रखना होता है हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसकी बतलाता है उसके पहले। तो यह केस नंबर 6 है। केस नंबर 7 है, अगर सेंटेंस में हैव टू या यूज टू रहे तो हमेशा ही एडवर्ब्स को इनके पहले लगाते हैं, हैव टू और यूज टू के पहले। यूज टू का मतलब आप जानते हैं, आदि होना, अभ्यस्त होना। हैव टू का मतलब देख लीजिए, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल। तो मुझे प्रायः कॉलेज पैदल जाना पड़ता है, हैव टू मतलब पड़ता है, तो मुझे प्रायः कॉलेज पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हैव टू है, तो हैव टू के पहले ऑफन आ गया है, क्योंकि रूल कहता है कि हैव टू के पहले लगाना होता है। इधर मुनी ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, मुनी हमेशा मेरे साथ सहमत होने का अभ्यस्त है या आदि है। तो यहाँ यूज टू आ गया है, तो इसलिए इसके पहले ऑलवेज लगाना पड़ेगा। यह केस नंबर 7। केस नंबर 8 में अगर आते हैं, इनफ के बारे में बात करते हैं। तो इनफ जिस भी वर्ड को मॉडिफाई करता है, यहाँ जिस वर्ड से वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की बात कर रहे हैं, हम नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस भी वर्ड को मॉडिफाई करेगा, मतलब जब एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह होगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे जल्द ही कि नाउन को भी मॉडिफाई करता है। तो आप जानते हैं डेफिनेशन से, अगर ये वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो इसे एडवर्ब कहेंगे। तो जब इसका प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो इसको हमेशा ही प्लेस करते हैं जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके आफ्टर, उसके बाद। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस बॉक्स इज बिग एनफ, यहाँ पे बिग को मॉडिफाई कर रहा है, बिग एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है एनफ। तो जिसको मॉडिफाई कर रहा है बिग को उसके बाद रख दिया गया है। लाउड एक एडजेक्टिव है, इसको एनफ यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे बाद में रख दिया गया है। अब जरा देखते हैं नाउन को, जैसे आई हैव एनफ मनी, मतलब मेरे पास पर्याप्त धन है। तो जब नाउन को मॉडिफाई करता है तो नाउन के पहले रहता है। तो इसके लिए है कि जब एनफ नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो उनके पहले रहता है, और जब यह एडवर्ब का काम करेगा तो जिसको मॉडिफाई करेगा वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके बाद रहेगा। अब लास्ट रूल है रूल नंबर 9, जो कि हर जगह लगता है, चाहे यह किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले क्यों ना कर रहा है। ओनली का प्रयोग हमेशा हम जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके पहले करते हैं, उसके बिफोर करते हैं ओनली का प्रयोग। जैसे देखिए, आई वर्कड ओनली टू सम्स, मैंने केवल दो सवाल बनाए। तो केवल दो सवाल के पहले केवल है, इसलिए टू सम्स के इंग्लिश के पहले ओनली आएगा। I have slept only 3 hours. मैं केवल 3 घंटा सोया हूँ। तो केवल 3 घंटा, 3 hours के पहले केवल आया है, तो इसके लिए पहले only आएगा। तो जिसके पहले केवल आएगा, जिस वर्ड के हिंदी में, इंग्लिश में भी उसी के वर्ड के पहले only आएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है। तो इस तरह से आपने देखा 9 रूल्स देखा पोजिशनिंग प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स का। अब
आगे के वीडियो में हम प्रेपोजिशंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।